तो दोस्तों, जब भी हम कॉल पे बात करते हैं, चाहे घर में हो या फिर मार्केट में, तो हमें जो है कि साउंड जो होता है वो काफ़ी क्लियर सुनने को मिलता है। घर का तो ठीक है, घर में जो शांति होती है तो साउंड क्लियर आना ही चाहिए, लेकिन जब हम घर से बाहर होते हैं, आउटडोर में होते हैं, यानी कि हम जब मार्केट में होते हैं, फिर भी हमें आवाज़ जो है कि क्लियर सुनने को मिलती है। जो बाहर का ट्रैफिक होता है उसकी आवाज़ हमें कम सुनने को मिलती है बहुत ही कम, ना के बराबर। तो आखिर ये कैसे होता है? तो दोस्तों, ये पॉसिबल है नॉइज़ कैंसिलेशन की हेल्प से। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या होता है नॉइज़ कैंसिलेशन, ये कैसे काम करता है, जिसकी हेल्प से हम काफ़ी क्लियर जो कि सामने वाले की बातें सुन सकते हैं फ़ोन पे बात करते समय। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, जो भी साउंड होता है वो बेसिकली डेसिबल में होता है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि हमें हार्ट बीट देखने को मिलता है किसी भी इंसान के, जब हार्ट बीट चेक करते हैं ऐसे ग्राफ ऊपर नीचे जाता है, ठीक वैसे ही साउंड का फ्रीक्वेंसी होता है। जब हम तेज़ बोलते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऊपर जाती है, और धीरे बोलते हैं तो हल्का सा अप होता है, डाउन होगा नहीं फ्रीक्वेंसी, अभी बोलें तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। जितने तेज़ बोलेंगे उतनी फ्रीक्वेंसी हाई जाती है उसकी। तो हमारे स्मार्टफोन में बेसिकली दो माइक होते हैं, अगर आपको पता नहीं मैं बता देता हूँ। एक माइक होता है बेसिकली आमतौर पर एक फ़ोन के नीचे के साइड में, एक होता है ऊपर के साइड में। तो मेन माइक हमारा होता है वो होता है फ़ोन के नीचे वाला, जिस पर अक्सर लोग, आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल मान लो कि ये हमारा फ़ोन है, ठीक है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि ऐसे बात करते हैं, ठीक है, ऐसा फ़ोन होता है ऐसे बात करते हैं। एक यहाँ पर माइक होता है, एक ऊपर माइक होता है, ठीक। तो जो हमारा मेन माइक होता है फ़ोन का वो होता है नीचे वाला, ठीक है, जिसमें हम ऑडियो बोलते हैं वो वहाँ पर कैप्चर करता है। और उसके बाद एक और जो माइक होता है ऊपर वाला, बेसिकली वो काम करता है नॉइज़ कैंसिलेशन, यानी कि वो माइक भी सेमी माइक होता है, बेसिकली वो भी ऑडियो रिकॉर्ड करता है। तो जब हम कोई भी चीज़ फ़ोन पर बात करते हैं, बोलते हैं, तो ये माइक हमारा जो माउथ से यानी मुंह से काफ़ी करीब होता है, इसमें हमारी जो ऑडियो की फ्रीक्वेंसी होती है काफ़ी हाई आती है। तो ठीक इसके ऑपोजिट जो हमारा माइक का ऊपर वाला भाग होता है, जहाँ पे ऊपर माइक लगा होता है एक, उसमें फ्रीक्वेंसी कम जाती है, यानी कि वो एक्चुअली में जो हमारे बाहर में वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसका ऑडियो कैप्चर करता है। और जो हम फोन में बात करते हैं बेसिकली दोनों माइक में वो सेम ही जाता है, बस नीचे वाला तेज जाता है ऊपर वाला कम जाता है। तो जब उन दोनों के डेटा को मिलाया जाता है तो वहाँ से जो है कि हमारी पहली माइक जो कि फ़ोन के नीचे होता है और दूसरा माइक जो फ़ोन के ऊपर होता है, उन दोनों का डेटा को मिलाया जाता है, दोनों में हमारी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है और बाहर के वातावरण का साउंड रिकॉर्ड हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी। बेसिकली जो हम बोलेंगे, क्योंकि तो माइक के सबसे क्लोज तो हमारा मुँह है, हम ही हैं, तो हम जो बोलेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी, बाकी का कम रहेगी, यानी कि जो वातावरण का साउंड है वो कम रहता है। ऊपर वाला ठीक ऐसे ही होता है, यानी ऊपर वाला में होगा क्या, वहाँ पे हमारे जो वोकल्स हैं उसकी साउंड कम होगी और जो वातावरण का साउंड होता है वो ज़्यादा होगा। तो ठीक इन दोनों को मिला के हमारा जो वोकल्स है उसको हाई रखा जाता है और जो वातावरण का साउंड होता है उसको लो कर दिया जाता है। तो इस तरह से निकल के आता है काफ़ी क्लियर साउंड जो हम बात करते हैं फ़ोन पे, तो लोग आसानी से सुन पाते हैं। तो बेसिकली गाइज यही है नॉइज़ कैंसिलेशन और ये ऐसे ही काम करता है। ये मैंने बताया काफ़ी इजी वे में आपको, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। पूरा टेक्निकल जाएंगे तो काफ़ी पेचीदा हो जाएगा, सिंपल सा प्रोसेस है इस नॉइज़ कैंसिलेशन का, ये ऐसे ही काम करता है। तो इसीलिए जब भी हम फ़ोन पर बात करते हैं, चाहे हम घर में हो या फिर घर के बाहर हों, हमें जो है कि काफ़ी क्लियर साउंड सुनने को मिलता है। और इसलिए हमें स्मार्टफोन में दो दो माइक देखने को मिलता है, किसी किसी फ़ोन में दो से ज़्यादा माइक भी होते हैं, डिपेंड करता है कितना महंगा है, कितना प्रीमियम क्वालिटी का हैंडसेट है, फ़ोन है, उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली दो माइक का ही खेल होता है, बाकी जितने माइक लगाएंगे उतनी अच्छी क्वालिटी जो होती जाएगी। तो दोस्तों यही होता है नॉइज़ कैंसिलेशन, काफ़ी छोटा टॉपिक है और ऐसे ही होता है हमारा, काफ़ी क्लियर और क्रिस्प साउंड हमें सुनने को मिलता है। तो आपको पता नहीं था तो आपको पता चल गया होगा। तो बस आज के इतना ही, उम्मीद दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट से कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चाहते हैं किसी खास को वीडियो देखना तो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो लेकर आते रहता हूँ। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।